अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर नाज़रीन किराम, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। एक और जुमला जनाब, एक ही तीर से दो दो शिकार। नाज़रीन किराम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद खान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेटमंदो। तो तमाम दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जनाब, आज एक अहम बात और खूबसूरत बात, दिल को पसंद होने वाली बात, और जनाब आज आपके लिए एक दिल को लुभाने वाली बात शेयर करने वाला हूँ। तो जनाब आप सुनकर आपको एक मरतबा होश हवास उड़ जाएंगे, तो आप परेशान हो जाएंगे, यार वाकई ये भी मुमकिन हो सकता है जी पाकिस्तान में। और इंसान जब करने पर आ जाए तो कौन सी चीज़ मुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है, बल्कि मुमकिन हो सकती है अगर इंसान उस पर कोशिश करे, लगा रहे, और आखिरकार वो अपने मकाम मर्तबे पर पहुंच जाता है। जो मेहनत करता है अल्लाह पाक उसको मेहनत का सिला लाजमी तौर पर देता है, मेहनत में अजमत है। तो जो लोग मेहनत से जी चुराते हैं, कहते हैं कि ऐसे ही हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, तो लिहाजा उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी मेहनत से जी ना चुराइए, मेहनत करते रहिए। रब तआला मेहनत करने वाला का जो सिला है उसको लाजमी तौर पर देता है, मेहनत में अजमत भी है। तो नाज़रीन किराम, अब हम अपने टॉपिक तरफ जाते हैं। तो नाज़रीन क्या टॉपिक पर जाने से पहले जनाब मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि इस वक्त जो टॉपिक चल रहा है कि जनाब ट्रेंड पर और जो चल रहा है वो है जनाब पाकिस्तान यूट्यूबर से, कि यूट्यूबर पाकिस्तान की आन पूरे पाकिस्तान की जनाब पूरे पाकिस्तान की जान जनाब वेला मुंडा। तो वेला मुंडा जनाब पाकिस्तानी सेक यूट्यूबर, वह सेक यूट्यूबर है जिन्होंने सेक में से पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और सेक में से अपना और अपनी फैमिली का नाम भी रोशन किया। जनाब एक छोटे से पसमानदा इलाके के रहने वाला वेला मुंडा, जनाब चौक मुंडा के एक छोटे से नवाई गांव में रहने वाला, जनाब इतनी बड़ी तरक्की कैसे कर गया, तो मैं आपको जनाब इस बात पर शेयर करते हैं। आज उनके लिए बहुत ही बड़ी दो खुशखबरियां बतानी हैं। नाज़रीन इकराम, दो खुशखबरियां इस तरह हैं कि जैसे ही आपको मालूम है कि इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए छोटी मोटी जनाब आमदनी हुई, आमदनी से कमाता कमाता एक मरतबा फिर जनाब उन्होंने एक जनाब कार ली थी, सबसे छोटी जिसे मेहरान कार कहते हैं। मेहरान कार के ज़रिए जनाब उन्होंने बहुत सारा जो है ना उसके पीछे लोगों लगाया, उस पर खर्चा किया। खर्चा करने के बाद कहते हैं ना कि जब इंसान थोड़ा सा तरक्की कर जाए तो फिर मज़ीद आगे की तरफ देखता है, मज़ीद तरक्की करता है, और मज़ीद तरक्की करते करते एक मरतबा मकसद की तरफ पहुँच जाता है। तो फिर जनाब वेला मुंडा जो है ना वायरल हुआ, मशहूर यूट्यूबर बना। यूट्यूबर बनने के साथ साथ व्यू सब्सक्राइब बड़े इलाकों में पहुँच गए, और इलाकों में पहुँचने के बाद आखिरकार जनाब वेला मुंडा ने अब ये मेहरान कार बेची। मेहरान कार बेचने के बाद जनाब उसने फिर जो है ना एक और कदम उठाया, और कदम उठाने के बाद उन्होंने एक और कार ली, उससे अच्छी वाली। जनाब उससे अच्छी वाली कार लेने के बाद, ऑटो कार लेने के बाद जनाब उसमें भी बहुत सारा पैसा लगा, और कितना अरसा चलाने के बाद अब फिर मज़ीद तरक्की की तरफ कदम उठा रहा है। और लेकिन इसके साथ साथ जनाब आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक ही तीर से दो दो शिकार, तो वो दूसरी बात जनाब वेला मुंडा जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला था, उसका पहले एक तोता था, उस तोता का नाम जनाब बबलू था, और बबलू तोते से बहुत मोहब्बत करता, उसको वीडियो में दिखाता था। तो लेकिन क्या हुआ कि परिंदा है, परिंदा जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी चीज़ खाने की वजह से उसका बबलू तोता मर गया था, और उसकी वजह से बड़ा ही उसे सदमा पहुँचा, दुख पहुँचा, अफसोस हुआ। और लेकिन अफसोस होने के साथ साथ नाज़रीन किराम और दूसरी उसके लिए भी खुशखबरी आ गई है। अब दोनों खुशखबरियाँ जनाब मैं आपकी तरफ शेयर करने वाला हूं। तो पहली खुशखबरी जनाब ये थी कि अब उन्होंने जो कार ली है, कार लेने के बाद अब उसके दिल में एक बात जनाब वो बैठ गई थी कि मैंने सिविक कार लेनी है। जी जनाब, सिविक कार लेने वाला वेला मुंडा जनाब अपनी मंजिल मुकम्मल करने वाला है। वो कैसे जनाब, आज वेला मुंडा ने जनाब वो जाकर सिविक कार का पता किया, मुकम्मल तौर पर डेटा चेक किया कि सिविक कार कितने की है, उन्हें चलाया, मज़ा चखा, और उसका सिविक कार को लेने का भी जहन बना। लेकिन जनाब नाज़रीन किराम आपको बताता चलूँ, सिविक कार की जब रेट कीमत का पता चला तो देख कर आपके होश भी तंग रह जाएंगे। जी जनाब, सिविक कार का जो रेट बताया जा रहा है वो है 38 से 39 लाख रुपए। सिविक कार का रेट जब सुना तो वेला मुंडा जो है चुप करके पीछे हट गया और पीछे घर चला गया। यानी उसने कहा कि मैं मशवरा करूंगा, मशवरा करने के बाद एक कार को देख ली है, लेकिन आने वाले एक दो चार दिन
तक लाजमी तौर पर सिविक कार पर वेला मुंडा लाजमी तौर पर लेकर फिर इतनी बड़ी तरक्की की तरफ गामजन करेगा। जनाब दूसरी खुशखबरी की तरफ जाते हैं। दूसरी खुशखबरी यह है कि अब उनका जनाब तो मार गया था, लेकिन हफ्साबाद से उनकी एक व्यूवर्स ने जनाब अपने कुछ तोते जनाब सब्ज़ तोते पाले हुए थे, उन्होंने इसको वॉइस करके बताया कि मैं जो है सब्ज़ तोता आपको शेयर करना चाहता हूँ, छोटा बच्चा है तोते का तो आपको मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ, क्या कबूल करेगी। जी हाँ, वेला मुंडा तो इस मरतबा तरस रहा था, उसने कहा ठीक है जनाब, मैं आपका जो है ना मुकम्मल तौर पर गिफ्ट को कबूल करता हूँ। और उन्होंने गिफ्ट को कबूल कर लिया तो जनाब ये भी एक दो दिन तक लाजमी तौर पर यह गिफ्ट भी तोता भी गिफ्ट पहुँच जाएगा। तो मतलब यह हुआ कि जनाब एक ही तीर से दो दो शिकार, जनाब एक ही दिन में दो दो खुशखबरियाँ। ये है यूट्यूबर्स है कि यूट्यूबर जनाब आप भी इसी तरह काम करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह मेहनत का सिला लाजमी तौर मिलेगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे मेरे चैनल को भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मज़ीद मिलेगी अगली वीडियो में, फिलहाल में दीजिए इजाज़त।